नमस्कार, समाचार सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंगीला 2.0 का आवाज में। आज हम बात करेंगे न्यू 4 लाइन हाईवे रोड के बारे में, मुंगेर से लेकर मिर्जा चौकी तक। ये जो देख रहे हैं पोकलन हाईवे ट्रक की मलबा, जो NTPC की कोयला छाई की जो राख है उसको जो खाली कर रहा है, इतना महीन है, इतना पतला है, ताकि इसको हाईवे से हाइड्रोलिक पंप से ये मिट्टी जो मलबा छा है ये गिरता ही नहीं है, जिसके कारण से नंबर बाय नंबर नंबर सिस्टम से हर ट्रक को खाली कर रहा है। कल्याणपुर रोड रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक के दक्षिण साइड है, सामने इसी तरह हाईवे लगभग हजारों की संख्या में अनलोडिंग करने के लिए नंबर में लगा हुआ रहता है। ये बरियारपुर से यहाँ तक लगभग 6 किलोमीटर लंबी कतार इसी तरह लगा हुआ है अनलोडिंग करने के लिए। और खास बात यह है कि न्यू 4 लाइन हाईवे रोड के लिए इतना सा मिट्टी कहाँ से लाएगा। मिट्टी तो बालू तो गंगा नदी से भी उठा सकता था, लेकिन उपजाऊ खेत जो फसल है उसका कितना क्षति नुकसान होता, गड्ढा में चला जाता। हो सकता है फसल उपजाऊ क्षेत्र इलाके पानी की शिकार हो सकता था। रतनपुर, ऋषिकुंड, बरियारपुर, सुल्तानगंज, अकबर नगर, इस इलाके क्षेत्रों में बाढ़ होता है। बाढ़ के कारण से NTPC के कोयला की छाए राख को डाल रहा है, क्योंकि मिट्टी डालेगा तो मिट्टी की सतह, जमीन की सतह, रोड की सतह स्लिप हो सकता है बाढ़ के कारण से, जिसके कारण से NTPC कोयला की छाए राख को इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि NTPC कोयला की छाए राख जो है ये बिल्कुल सफेद बालू रेत से भी ज्यादा पतला है। रेत से ज्यादा पतला होने के कारण से इसका आयतन जो है नहीं खिसकेगा, नहीं स्लिप करेगा बाढ़ में। ये वैसा है कि ये स्लिप करने की बातें नहीं है। जैसे कि आप सुनते हैं कि रेलवे ट्रक का मिट्टी दब गया, कहीं मिट्टी फट गया, धस गया, दब गया, वो सब शिकायत नहीं मिलेगा हाईवे रोड में। इस तरह का गड्ढा न्यू 4 लाइन हाईवे रोड के दोनों साइड हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब ये है कि NTPC का कोयला छाए राख जो है यहाँ पर डालता है। डालने के बाद बाढ़ के समय में ये छाए कहीं स्लिप करके दोनों साइड भागे नहीं, जिसके कारण से मिट्टी पकड़ के लिए यहाँ पर गड्ढा खोदता है, जिसके कारण गड्ढा खोदता है, उसके बाद NTPC के कोयला छाए राख को गिराया जाता है। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना सा।